तो दोस्तों आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठे और कोई ऐसा सवाल आ जाए तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि यार इसे सॉल्व करने में तो बड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों या फिर आप कभी बैठे बैठे सोच रहे हो कि सर मुझे कभी कोई ऐसा सवाल पूछे और मुझे तुरंत ही उसे वो आ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। तो दोस्तों अब यही सही टाइम है इसे अब सीखने का। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ छापड़ा वागची और स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ऐसे सवालों का जवाब कैसे निकाले, वो भी 5 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों 825 × 999, कोई समझदार बंदा ऐसे भी लिखेगा कि 825 × 1000 - 1। तो यहाँ पे जो दोस्तों 825 है उसमें से 1 माइनस करने पर हमें मिलेंगे 824। तो इसको हम आंसर में लिख लेंगे 824, क्योंकि ये ही आंसर आएगा। और फिर दोस्तों पहला 9 है उसमें से हम 8 माइनस करेंगे, दूसरा 9 है उसमें से हम 2 माइनस करेंगे, और ये जो तीसरा वाला 9 है उसमें से हम माइनस करेंगे 4। तो पहले 9 में से 8 माइनस करने पर हमें मिलते हैं 1, वो आंसर आएगा। फिर दूसरे 9 में से 2 बात करने पर हमें मिलते हैं 7, वो आएगा। और तीसरे 9 में से हम 4 माइनस करने पर हमें मिलेंगे 5। तो दोस्तों यही है सही जवाब। आई होप आपको बिलीव नहीं हो रहा था। तो चलिए दोस्तों हम दूसरी पैटर्न में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 825,000 माइनस करेंगे उससे हम 825,000 उससे हम माइनस करेंगे 825। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका आपका आंसर एकदम सेम आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने माइनस करने में बहुत टाइम गुमा देते हैं। तो ये पहली वाली टेक्निक है हमारे लिए सही है आसानी से जवाब लाने के लिए। तो यहाँ पे यहाँ पे भी कुछ नियम है। तो दोस्तों पहला नियम ये है कि यहाँ पे हमेशा 9 ही आएगा, 9 के अलावा कुछ भी आए तो ये पैटर्न काम नहीं करेगा। तो और दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी मतलब कुछ भी। तो इसका पहला नियम ऑलवेज 9, यानी कि हमेशा 9 ही आएगा यहाँ पे। और दूसरा नियम यहाँ पे दोस्तों जितने डिजिट होंगे उतने या फिर उससे ज़्यादा 9 आएंगे, यानी कि अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 9 है और 4 5 6 हो सकते हैं, लेकिन 2 नहीं चलेगा। जैसे कि 825 × 99, यहाँ पे 825 3 डिजिट है और 99 यानी कि 2 ही 9 है, तो ये इसमें आपका जवाब नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको इसमें कमांड हो जाए। तो 731 × 9999। तो यहाँ पे दोस्तों 731 है, यहाँ पे डिजिट है सिर्फ 3 है, और जो 999 है वहाँ पे 9 4 है। तो यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे क्या, 0 एज्यूम कर लेंगे, तो 730 लिख लेंगे, आंसर में भी 730 आएगा। यहाँ पे जो दोस्तों 9 में से 0 वैसे ही आप पहले के जैसा कर लेंगे, तो आंसर में पहले 730 लिखेंगे, फिर 9 में से 0 माइनस करने पर 9, 9 में से 7 माइनस करने पर 2, और 9 में से 3 माइनस करने पर 6, और 9 में से 0 माइनस करने पर 9। तो दोस्तों आगे आपका जवाब। तो दोस्तों ही आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।